इज्जत पर कभी आंच लाने देना। तेरा लख लख शुक्र माता रानी, लख लख शुक्र। चाचा चनामा मत आयुष्यमान अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। बहुत बहुत बधाइयाँ हो सेठ जी आपको, जिस तरह आज आप अपने व्यापार की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं उसी तरह आप 50वीं सालगिरह भी मनाएं। जय हो आपकी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सदा सुखी रहो, खूब पढ़ो लिखो, योग्य बनो। हम बेटियों को पांव को हाथ नहीं लगाने देते, तो देवियां होती हैं जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। मेरे ही पैरों में हाथ मारो, अपने माँ के पैर में, वही तो इस घर की धुरी है। मैं क्या सुमन जी? हाँ जी। इधर आओ जी। हम दोनों मिलके बच्चों को आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। पैर पहना जींदे मम्मी जी। पैर पहना जींदे रहो बच्चा। पैर पहना मम्मी जी। जींदे रहो। पैर पहना जींदे। माता रानी सारियां ने सद्बुद्धि दे। अंजू कंचन प्रसाद के लिए फ्रूट काटो। जसो तू मदद कर, तन्नू पुत्र सब लोग प्रसाद बांटो। चलो भैया आओ, काम खत्म कर ले। नाश्ता ना कर ले यार, वो काम नहीं करना। मैं क्या जी, माता रानी की कृपा से सब सुख नाल हो गया। माता रानी की कृपा तो खैर है ही, पर एक और भी देवी है जिसने शुरू से मुझे और मेरे टब्बर को अच्छी तरह से संभाल रखा है। लो फिर लगे मेरी तारीफ करने। क्यों ना करूं, अगर जिंदगी की हर ऊंच नीच में तुम्हारा साथ ना होता तो मैं किस काबिल। और खासकर जब वो पत्नी तुम जैसी सुशील हो, तब वो साधनी को कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और भूख लग रही है जी, जसो जल्दी लावे, भूख लग रही है। और प्रसाद ही खिला दो, नहीं तो आदि नहीं है। थैंक यू।
पागल हुई है क्या? देखा वीर जी, आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि हमारे बिजनेस के सिल्वर जुबली के दिन आप लोग मुझे बहुत सारे प्रेजेंट देंगे। भाई कहाँ से था? मुझे तो याद है। जल्दी देना यार। मेरे बिजनेस की सिल्वर जुबली हुई है, मैं क्यों दूँ? जाकर पापा जी से ले लेना, मुझे प्रसाद दे। चल छेती। वीर जी। दे भाई दे दे, नहीं तो सारा प्रसाद कुछ खा जाएगी। चल दे, दे दे दे। चल दे। हाँ, डोंट वरी। तेरा प्रसाद ला। ये आपके लिए, एक और आपके लिए। बस है बस। एक और आपके लिए। जल्दी कुछ करो। ये ले अपना गिफ्ट। आप दे। बोल के देख लो। चल दो। थैंक यू प्रसाद। थैंक यू। हाँ जी, तो अब आपकी बारी। मैं भूल गया। हाँ। तो ठीक है। जिस तरह आप मुझे गिफ्ट देना भूल गए हैं, उस तरह अपनी बहन को भी भूल जाना। हाँ, आइडिया बुरा नहीं। ये ले तेरी गिफ्ट। मर मत। मुझे पता था आप मुझे जरूर देंगे। थैंक यू। वाओ, तीन तीन गिफ्ट। हैप्पी। वेरी हैप्पी। तुम्हारे लिए और तेरे। ये मेरे लिए है मम्मी जी। कंचन, कल मैगजीन में मैंने तुझे बताया था ना कि वही बुंदे हैं। लेटेस्ट फैशन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जच रहे हैं कंचन, तेनू अपनी गिफ्ट पसंद नहीं आई? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही प्यारे हैं, मगर इनकी क्या जरूरत थी? पहले ही इतने गहने पड़े हुए हैं। कहने की भी जरूरत से ज्यादा होते हैं क्या? है ना मम्मी जी? हाँ पुत्र, तेरे पापा जी बहू बेटी फर्क समझते ही नहीं। जो एक वास्ते आया वो सारे वास्ते आया। मुझे पता है, पापा जी को सारी सलाह मम्मी ही देती है। बस नाम पापा जी का आता है। कंचन, मैं तो इयररिंग अभी पहन रही हूँ, तू भी पहन ले। नहीं नहीं परजाई जी, मैं तो इन्हें शाम को पहनूंगी पार्टी में। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी शाम को ही पहनूंगी। बच्चों, ये तुम्हारे लिए। कंचन, शाम को जब हम हमारे नए बुंदे पहन के निकलेंगे तो मिसेस खन्ना की आंखें फटी की फटी रह जाएगी पार्टी में। अंजू, ऐसा नहीं कहते बेटा। वही मुबारक हो। दोनों बड़े बेटे काम में लगे हैं। वैसे छोटा भी समझ जाएगा।
अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का, चलो जाओ। अब एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हो? क्या लजीज खाना पका, ऐसा लगता है कुक के हाथ चूम लो। कुक के हाथ कौन चूमेगा? वाह परजाई वाह, बाहर जनानियां बेसब्री से नाश्ते का इंतजार कर रही हैं और आपका चखना यहाँ खत्म नहीं हो रहा। अरे किसी ना किसी को तो चखना ही पड़ेगा ना। देखा अभी कुक की तारीफ कर रही थी, सारा खाने का मजा ही उतर गया। अरे बहुत मुश्किल है कंचन, बहुत मुश्किल है, मैं तो थक गई हूँ चखा के। ये आपका चखना था, आप खा रही है परजाई जी, खा रही है। चखेंगे तो बेचारे मेहमान, अगर नसीब में हुआ तो। ये क्या झिकझिक लगा रखी है, चलो जाओ। जाओ जाओ भैया, जल्दी से लेके जाओ, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे अरे रुको रुको, मुझे चखने तो दो। परजाई जी आप जाइए जाइए। अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो मेहमान क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, अगर मैं इन्हें नहीं भेजती ना तो मम्मी जी को सीधे यहाँ आना था, और फिर पता है ना क्या होता? अरे मुझे तो उनकी आदत हो गई है। वैसे भी क्या कहते हैं ना कंचन, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। पर जाए जी डाइटिंग पे होना। अरे लाख है, चटनी तो बहुत स्वाद बनी हुई है, बिल्कुल मेरी पसंद की, बहुत तीखी। ये चटनी मेरी बड़ी बहू अंजू ने बनाई है। बड़ी परजाई जी एक पॉट है। खाइए ना प्लीज। सोनिया, सोनिया की बच्ची, छोड़ मेरी आंखों को, छोड़ ना। आय हाय, देखो कैसे पता चला कि मैं हूँ। लाए तेरी हाथों की अंगूठियां है ना, चुप रही थी। और वैसे भी क्या मैं तेरे हाथों का टच पहचान नहीं पाऊंगी? कैसी है? अच्छी हूँ। तू कैसी है? बहुत अच्छी। हेलो डिंकी, हेलो चिंटू, कैसे हो? अच्छा सुनिया, एक बात बता, कमीज पहन के तूने आने में इतनी देर क्यों लगा ली? तूने मुझे अपनी तरह वेली समझ के रखा है क्या? मैं वेली? हाँ मैं तू वेली। हाँ बचपन की सहेलियाँ हैं, जब भी मिलती है बिछड़ी हुई बहनों की तरह मिलती है। तुमने अगर अपनी सहेली से फुर्सत पा ली हो तो एक नजर इधर पे, हम भी तुम्हारे मेहमान हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, नजर ना लगे किसी की। As always. आप पापा से मिले? दिखाई नहीं दिए मुझे। चलिए आपको अभी मिला रही हूँ। चलो। पापा जी। प्रिंसिपल साहब आइए आइए। इतनी देर से क्यों आया? कॉलेज से निकलते निकलते जरा सी देर हो गई। बहरहाल आपके बिजनेस की 25वीं सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। कुछ नाश्ता कीजिए। जरूर करेंगे, अभी तो आए हैं। हाँ जी, आप अंकल जी का ख्याल रखिए और मैं अपनी सहेली का ख्याल रखती हूँ। तुझे पता है मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, दिखाती बेटा। अंकल को खिलाओ। नहीं पता था कि प्रवीण भैया को भी ये सब आता है। आता है, लेकिन आते नहीं।
अच्छी, बादल बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी है। अच्छा सुन कर अब मुझसे खबर सुनने के लिए तैयार हो। डरने वाली कोई बात नहीं, हाँ पर थोड़े दुखी बात। पापा मुझे मुंबई भेज रहे मास कम्युनिकेशन के कोर्स के लिए। और तुम तो जानती है ना कि मैं कितने टाइम से चाहती थी ये कोर्स करना। दुखी बात तो है लेकिन क्या मोटी तेरी अक्कल भी मोटी हो गई। एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो जाएंगे। एक तो बचपन की दोस्त थी और फिर पता नहीं अब अगली बार कब मिलेंगे। प्लीज तनवी तेरे उदास मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपने मन को पक्का किया है और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ जरूरी समझते हैं और मैंने भी पापा से इसीलिए हाँ कर दी मुंबई जाने के लिए। क्या पता कल को तुम अपने ससुराल चली जाएगी और मैं यहाँ अपने दोस्ती के नाम पे रोना रोती करती हूँ। क्या मतलब तू वहां जाके मुझे याद नहीं करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटी को अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन मिल गई लेकिन बच्ची चली जाएगी बहुत दूर। हाँ आप उसके बगैर रह लोगे भाई साहब? ये तो मेरा अपना है ना, इसे हमारी दोस्ती की यादगार के तौर पर ले ले। तो जब भी इसे देखेगी ना तुझे मेरी याद जरूर आएगी। अगर तुझे बुलाने की जरूरत नहीं कि तू तो वहां होगी तभी मुझे आके दे देना। कल शाम तू तो जानती है ना कि घर वाले मुझे परमिशन नहीं देंगे। फिर भी तो जानती हूँ तो फिर तू ऐसा क्यों कह रही है? तू अपने घर वालों से कहती कभी कि तेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी दूर जा रही है फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। और अगर किसी को ना बोली तो मैं कुछ नहीं जानती। अगर तू कल शाम को पार्टी पे नहीं आई तो ना मुझे तेरी ये चेंज चाहिए और ना ही तेरी दोस्ती। सोनिया है कि अगर माल खराब होगा तो हम वापस ले लेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? पापा जी। हाँ जी एक मिनट। क्या बात है? हाँ जी बोलो। पापा जी एक बात है कि आज शाम सोनिया के यहाँ पार्टी है तो चलो मैं जाऊँ। पता नहीं हमारी मुलाकात होगी। एक मिनट कोई जरूरत नहीं है जाने की। तुम कल ही तो मिली हो उसको पार्टी में। हाँ जब आपको एक बार कह दिया है तो आपको समझ में नहीं आती है बात। पीजी प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं नहीं गई ना तो सोनिया को बहुत खराब लगेगा। लेकिन तनु तुम तो जानती हो कि पापा जी नहीं मानेंगे। वीरेन को भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो फिर ठीक है, आप मम्मी जी से बात कीजिए, वो आपकी बात को नहीं टालेंगे। और एक बार उन्होंने हाँ बोल दी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। I'm sorry, तनु, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। तुम वीरेन को मनाने की कोशिश करो ना। नहीं, वीर जी नहीं मानेंगे। देखिए अपने पापा जी को जा। कल शाम को मैंने अपने घर पे फेयरवेल पार्टी रखी है फ्रेंड्स के लिए, तुझे आना ही होगा। सोनिया, तू तो जानती है ना मेरी मजबूरी को, फिर भी मैं कुछ नहीं जानती। अगर तू कल शाम को पार्टी पे नहीं आई ना, तो ना मुझे तेरी ये चेन चाहिए और ना ही तेरी दोस्ती। हाय रब्बा, खुद मैं की करा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा तुम एंजॉय कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई खास मेहमान गंजूता? कैसी बातें कर रही हो, सब लोग मेरे लिए खास हैं। रियली? बहुत है। और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तनु कहीं दिखाई नहीं देती? पता नहीं, शायद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी। जो जसो, जसो जरा इधर आना। देख, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे भूख लगी ना तो मैं खुद ही उठकर खाना ले लूंगी। मैंने डिस्टर्ब ना करी, ओके? ठीक है जी। गुड नाइट मामा। जिंदी रहे पुत्र। एक मिनट, मैं फोन कर लिया। हेलो। हेलो तनु, है मैं सोनिया बोल रही हूँ। क्या बात है पुत्र, वो रसोई में कुछ काम कर रही है? यहाँ पे सब लोग उसका पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। पार्टी? वो पार्टी में नहीं आएगी, उसे मैं पहले भी कह चुका हूँ।